हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सांख्यिकी के ऊपर बेस्ड है। तो बिल्कुल हम बेटा अपनी थोड़ी से बेसिक रिवीजन कर रहे हैं, सारा 9th का सिलेबस है। तो देखिए, हम सबसे पहले हमारे पास है निम्न वर्ग सीमा, लोअर क्रॉस लिमिट। वो क्या होती है, किसी पे जो आपको वर्ग अंतराल दिया गया होता है उसकी जो लोअर लिमिट होती है। सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पे दे रखा है 40 से 50, सो दिस इज द लोअर क्लास लिमिट, निम्न वर्ग सीमा। ऐसी ऊपरी वर्ग सीमा कौन सी हो जाएगी, अपर क्लास लिमिट कौन सी हो जाएगी, ये वाली। आपको नाम से ही बहुत क्लियर है कि ये निम्न है, नीचे वाली है, और ऊपरी मतलब ऊपर की, लोअर अपर, है ना बेटा। अब नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, मध्य एक तरीके से उन दोनों के बीच का नंबर। तो कैसे निकालते हैं, हमेशा किसी भी चीज का बीच का नंबर आप कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। सो इन दिस केस इट बिकम्स 90/2, दैट इज इक्वल टू 45। तो 40 और 50 के बीच में आपको पता है 45 आता है। सो हम सांख्यिकी में इसे क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क। वर्ग माप, वर्ग माप मतलब कितना है कि कहाँ से कहाँ तक का आप गैप ले रहे हो एक क्लास में। जैसे 40 से 50 तक जाने में आपने कितना गैप लिया, 10 का, तो ये दोनों को घटा के मिल जाएगा, 50 घटा 40, तो वो हमारा क्लास साइज हो जाएगा। तो जैसे इस केस में क्लास साइज कितना लिखेंगे आप, 10। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया गया है हमें, वेट दिया गया है ये 35 लोगों का, और उसके बाद हमें बोला है इक्वल अपने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको कंप्लीट करनी है इक्वल क्लास लेकर। तो देखिए बेटा, 40 से 45 इसने पहली क्लास ली गई ली है और टैली मार्क्स बनाया है यहाँ पे। आपको पता ही है कि हम कैसे बनाते हैं, 4 के बाद 5वें को हम कट कर देते हैं, तो ये कितना बन जाता है, 5। सब कुछ हमारा पुराना सिलेबस की रिवीजन है। फिर नेक्स्ट उसने लिया है 45 से 50, और यहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी लिख दी है बारंबारता 7। टैली मार्क्स हमें अपने आप बनाने हैं बेटे, तो ये इसको देख लीजिए कितना बनाएंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7। 10 के ऊपर फिर ये कट जाएगा, हर 5 के टेबल के ऊपर कटता जाएगा, तो ये 7 बन गया। नेक्स्ट हमारा ग्रुप कौन सा आएगा, कितने कितने का है इसका, 5-5 का गैप, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 से 55, 55, और यहाँ पे टैली मार्क्स दिए हुए हैं कितना हो गया, 5, 5+1, सो 5+5+1 इज 11। इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे बाकी की टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, वर्ग अंतराल 55 से 60 की निचली सीमा, लोअर क्लास लिमिट ऑफ दिस इंटरवल क्या बन जाएगी, 55। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, 45 जमा 50 बटे में 2, इट इज 95/2, तो कितना आ जाएगा, 47.5। वर्ग माप कितना है, यहाँ पे कितने कितने का गैप लेके बना रहे हैं ये, तो ये 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माध्य यानी कि मीन, औसत। तो अवर्गीकृत बारंबारता के लिए अवर्गीकृत क्या होती है, जब हमें क्लास इंटरवल्स नहीं दिए गए होते, डेटास आपको ऐसे ही लिखे गए होते हैं कुछ डेटास, तो हम क्या करते हैं, सभी डेटास को प्लस करके जितना उनकी संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो एग्जांपल देखिए, 75 और 95 के बीच सभी विषम संख्याओं का, ऑड नंबर्स का मीन फाइंड आउट कीजिए। तो पहले हमने विषम संख्याएं सारी लिख लेनी है बेटा, बीच में बोली हैं तक नहीं बोली, इसका मतलब आप 75 और 95 को नहीं लेंगे, ध्यान रखना है इस जो डिफरेंस हमारे को दिया जा रहा है। तो 75 से आगे आप चलेंगे 77, विषम संख्याएं आपको पता ही है क्या क्या आएंगी एक एक नंबर छोड़ के। अब हमारे पास कितनी मिल गई, 9,
तो सबको ऊपर प्लस किया और डिवाइड किससे किया, इनकी संख्या से यानी कि 9 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 85। यू हैव टू राइट डाउन ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 75 एंड 95 एंड देन वी विल कैलकुलेट द मीन। नेक्स्ट है, अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया। ग्रुप्ड क्या होता है बेटा? जब हमें क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मतलब टोटल, डिवाइडेड बाय बारंबारता का टोटल सिग्मा एफ। तो एक ही क्वेश्चन मैंने आपको अपने पास दिया है जिस जो कि आपकी वर्कशीट में नहीं है, तो इसका भी हम एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये क्लास इंटरवल है बेटा, ये आपको बारंबारता दी गई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं क्लास इंटरवल्स का, मध्य क्लास मार्क निकालते हैं। तो आपने अभी वर्ग चिन्ह निकालना सीखा है ना हमने, तो 100 जमा 150 बटा 2, 125 आ गया, फिर 175, फिर 225 और फिर 275। जितना गैप क्लास इंटरवल्स में होता है उतना ही क्लास मार्क्स में आता चला जाता है। जैसे यहाँ 50 का गैप है तो यहाँ पे भी 50-50 का अंतर आता जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉर्मूले में आप देखिए एफ इंटू एक्स, यानी कि f आपको दिया हुआ था बारंबारता, x हमने अपने आप निकाल लिया। अब इन दोनों को बहुत केयरफुली आपने मल्टीप्लाई करना है, f इंटू एक्स यानी कि 12 गुणा 125, 13 गुणा 175, 17 इंटू 225, 8 इंटू दिस। उसके बाद हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स वाले कॉलम का टोटल, एफ एक्स का टोटल कर लिया हमने 9800, और इसको किससे भाग करना है, एफ के टोटल से यानी कि बारंबारता के टोटल से। बारंबारता हमेशा आपकी क्या चीज होती है, जो भी हमें संख्या दी गई होती है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है, काम करने वाले लोगों की संख्या, तो जो भी संख्या होती है बेटा वो बारंबारता होती है। तो 50 से हम इसे भाग कर देंगे, इस तरीके से हमारा मीन 196 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माध्यक होता है जो कि बिल्कुल बीच की टर्म होती है, बीच का डेटा होता है ना, इसको निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि हमें आरोही या अवरोही क्रम में लगाना होता है। ऑब्जर्वेशन को हमें आइदर यू हैव टू राइट डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए, यदि ऑड नंबर हो तो बेटा हमें पता है ऑड नंबर हो तो हम बिल्कुल बीच का हम इजीली निकाल पाते हैं। कैसे, एन प्लस वन, यानी कि अगर 9 संख्याएं हैं ना, 9, तो आप क्या करोगे, 9 में एक जमा किया 10 बटा 2, यानी कि पांचवी जो आपकी संख्या होगी ना वो आपका मीडियन होगा, जो पांचवा नंबर पे डेटा आएगा दैट विल बी द मीडियन। लेकिन मान लीजिए अगर ये n आपका ऑड था यहाँ पे, लेकिन अगर n आपका इवन है, संख्याएं हमारी डेटा कितने इवन है, तब हम क्या करेंगे, देखिए तब आप कैसे करोगे, इसका आधा किया, 8 का आधा किया 4, और इसका अगले का आधा किया 5, और इसका दोनों का एवरेज निकाल देंगे, फोर्थ डेटा का और फिफ्थ डेटा का हम एवरेज निकाल देंगे। एग्जाम्पल करते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन, वही क्वेश्चन जो कि हमने अभी माध्य के लिए किया था। अब देखिए, हमने पहले सारे नंबर लिख लिए बेटा, और ये ऑलरेडी देखिए आप जब लिखेंगे ऑलरेडी ये बढ़ते हुए क्रम में लिखे जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, तो यहाँ तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब इसका बीच का डेटा देख लीजिए, उसके लिए हम क्या करते थे, अगर सिंपल डेटा हमें ऐसे है तो बहुत ईजी वे है कि आप इधर से सिंपल आपको पता चल जाएगा, नो नीड टू राइट डाउन एनी फॉर्मूला, बीच में जो भी नंबर आएगा दैट विल बी द मीडियन, 85 आ गया बेटा आपका, है ना। अदरवाइज आपको पता चल ही गया कि 9 नंबर है तो 9 जमा 1 यानी कि 10 बटा 2 पाँचवें नंबर पे, देखिए आ रहा है ना पाँचवें नंबर पे, तो यहाँ तो ये काम हम ऐसे कर लेंगे। अब मान लीजिए ये हमें इवन नंबर में डेटा दिए गए हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डेटाज हैं यहाँ पे, यानी कि n आपका, n हमारा यहाँ पे कितना है 10। अब हमने क्या किया, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, जो भी सबसे छोटी संख्या थी पहले लिखी आपने, उसके बाद इस तरीके से आपने अरेंज कर लिया। अब हम अगर कम डेटा है बेटा तो हम यही ऊपर वाला
तरीका फॉलो कर लेंगे, फटाफट अपना आंसर दे देंगे कि इधर से कट किया, इधर से कट किया, तो आपने देखा कि फाइनली बीच में दो नंबर बचेंगे, पांचवा और छठा, और उन दोनों को प्लस करके हम दो से भाग कर देंगे, तो आंसर आ गया हमारा 5.5। और अदरवाइज आप कैसे करोगे, 10/2 करना था हमें, और 10/2 से अगला नंबर यानी कि पाँच, ये कितना बना पांचवा, और पांचवा और छठा दोनों डेटास को प्लस करना है आपने और दो से भाग करना है। बाय चांस यहाँ पे पांचवा और छठा टर्म 5 और 6 ही है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये फिफ्थ एंड सिक्स टर्म है आपकी, तो वो क्या बनी 5 जमा 6/2, आंसर इज 5.5। नेक्स्ट बहुलक यानी कि वेरी इजी, जो कि सबसे ज़्यादा बार हमारा डेटा रिपीट होता है वही मॉड या बहुलक कहलाता है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है तो आप बहुत ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करेंगे और जो भी सबसे ज़्यादा बार आ रहा है दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट हमें कुछ करने हैं, देखिए प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं की। अब पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही एकदम से जल्दी जल्दी की, बहुत आसान है, माध्य निकालना है सिंपल, लेकिन क्या कंडीशन दी गई है, पूर्ण संख्याएं। तो आप पहले कहाँ से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये है ना पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ये देखिए बेटा यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ नेचुरल नंबर्स दिया गया इंग्लिश में, तो इसको भी हम होल नंबर्स कर लेते हैं। अब क्या बोला है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसके वर्ग स्क्वेयर्स करने हैं, तो स्क्वेयर कर लेते हैं इनके। स्क्वेयर करने पे क्या मिलेगा, 0, 1, 4, 9, 16 एंड 25 यही मिलेगा। उसके बाद आप इसका माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकालते हैं, सबको प्लस करके एंड नंबर से डिवाइड कर देना है, तो ये काम आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित ये प्रश्नों का माध्यक 25 है, मतलब ये अरेंज किए गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और माध्यक मीडियन आपको कितनी दे रखी है, 25। तो अकॉर्डिंग टू अस हमारे हिसाब से कितनी मीडियन बनेगी बेटा इसकी, देखिए कितने डेटास हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का मतलब है कि पांचवें और छठे नंबर पे जो डेटा है उसका मुझे अगर औसत निकालूंगी तो वो माध्यक हमें मिलता है। तो हमारे हिसाब से माध्यक क्या बनेगा, इन दोनों को प्लस करना है और फिर दो से भाग करना है। नाइन्थ क्लास में हम करते थे ऐसे क्वेश्चन, है ना, तो इट इज़ इक्वल टू 25। अब आपको पता है हमें क्या करना है, एक्स प्लस एक्स कितने एक्स हो गए, 2x, 4 + 2 = 6, और नीचे का जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई होके 50 बन गया। क्या बना आपके पास, 2x = 44, x = 22। नेक्स्ट देखिए, दिए गए अक्षरों का बहुलक बताइए, मॉड बताना है हमें, हैप्पीनेस क्लास। तो बेटा जब कई ऐसे बहुत बड़े वर्ड्स होते हैं, आप देखिए इनकी हम फ्रीक्वेंसी लिखते जाते हैं बारंबार तक, कि इसका क्या मतलब है कि कौन सा चीज़ हमारे पास कितनी बार आ रही है। तो H कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। F लिख लेते हैं यहाँ पे हम इसको, है ना, यहाँ पे हम ये लेटर हेडिंग अपने आप बना ली है हमने, H 1 टाइम। A कितनी बार आ रहा है, 2 बार। P भी 2 बार। I 1। N 1। E is 1। S 4 times। C 1 time। And then L is 1। अब हम देखिए, अब ये कोई और नया लेटर हमें नहीं दिख रहा, काउंट कीजिए बेटा यहाँ से, 2 + 1 = 3 + 2 = 5 + 6 = 7 + 8 = 12 + 13 + 14। यहाँ पे कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि हम सारे अपने लेटर्स लिख चुके हैं। अब आपको इस तरीके से करने से एकदम क्लियर विजिबल है
ये कौन सा लेटर है जो हमारा बहुलक है? एस, जो कि 4 times आ रहा है ना, सबसे ज्यादा बार। तो आंसर इज मॉड एस। तो बहुत ही बेसिक हमने अपने चीजों की रिवीजन की है बेटा। आप भी एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।